अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कराची का मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम सबको हमारे बचपन की याद दिलाते हैं, मिनी समोसा विद आलू की चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, देख कर यकीनन आप लोगों को भी आपके बचपन के दिन याद आ गए होंगे। तो चले हैं जल्दी से ज़बरदस्ती रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने छोटे छोटे से समोसे रेडी कर लेने हैं, इस तरह से मिनी मिनी क्यूट से। तो उसके लिए हमें चाहिए समोसा पट्टी या फिर मांडा पट्टी, जो भी आप बोलते हैं। ये जो है होममेड है, मैं आप लोगों को भी बनाना सिखा चुके हैं और आज भी मैंने घर पर ही बनाई है। तो इसके जो है हमने छोटे छोटे से समोसे रेडी करने हैं। अगर आपको ये मांडा पट्टी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इस शेप की आपको नहीं मिल पाती है, कुछ भी इशू है, तो आप जो है स्क्वायर जो रोल पट्टी होती है वो भी ले सकते हैं और उसे आप तीन या फिर दो स्टेप्स में कट कर लें। अगेन होममेड है तो इसकी ये जो लेफ़्ट ओवर कॉर्नर्स हैं इन्हें भी हम यूज़ करेंगे, इस तरह से रोल करके या फिर छोटे छोटे पीसेस में कट करके फ्राई कर लेंगे। तो अंकल के पास जो समोसे के साथ पापड़ी मौजूद होती है वो ये होती है, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास जो है इन्हें समोसों को पेस्ट करने के लिए ये मैंने मैदे और पानी की लई रेडी कर ली है। और ये आलू का मिक्सर है, ये जो है टोटली ऑप्शनल है। बाहर से जो समोसे मिलते हैं उसमें कुछ भी फिलिंग नहीं होती, सिंपल समोसों वाली उन्होंने शेप दी हुई होती है, लेकिन मैं जो हूँ इसमें थोड़ी थोड़ी सी ये आलू की फिलिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने एक अदद उबला हुआ आलू लिया, जिसमें मैंने नमक डाला, काली मिर्च डाली, चाट मसाला डाला और ये मिक्सर रेडी कर लिया। अब देखें कि समोसों को आपने शेप कैसे देनी है। इस तरह से एक कॉर्नर को पकड़ कर आपने अपनी साइड को टर्न कर लेना है कम्प्लीट, फिर आप इसे सीधा कर लें और इस वाले कॉर्नर पर फिंगर रख कर अगेन इसे ऑपोजिट साइड में आप टर्न कर लें। तो ये वाला कॉर्नर जो है सील हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा और इस तरह से पॉकेट बन जाएगी जिसमें आपने ये मिक्सचर फिल कर देना। अब अगेन दो कॉर्नर्स बन गए हैं, दोनों पर आपने फिंगर रखनी है इस तरह से और अंगूठों की मदद से आपने इसे ऑपोजिट साइड में टर्न देना है। फिर से दो कॉर्नर बन गए हैं, फिर से आपने फिंगर रख के अंगूठों की मदद से इसे दूसरी साइड पर टर्न देना है और ये फोल्ड जो है आपने टाइटली करना है। लास्ट में मैदे की लई मैंने इसके ऊपर लगाई है और फिर से इसे ऑपोजिट साइड में टर्न दूंगी और ये जो बच जाता है या तो आप इसे कट कर दें या फिर इस तरह से इसके अंडर आप इसे डाल दें। तो ये देखें कितना प्यारा इस समोसे की शेप आई है। एक और दफ़ा देख लें थोड़ा क्लोज से, इस पट्टी का एक कॉर्नर जो है आप इसे अपनी साइड पर इस तरह से टर्न करें और फिर इसे पकड़ते हुए ही इस पट्टी को सीधा कर लें एंड देन इस वाले कॉर्नर पर आप इस तरह से फिंगर रखें और इसे दूसरी साइड पर टर्न दे दें। तो क्या होगा कि ये वाला जो कॉर्नर है सील हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा और इस तरह से पॉकेट बन जाएगी जिसमें आपने अपनी फिलिंग ऐड करनी है। देन अब फिर से जो है वो दो कॉर्नर्स बन जाएंगे, इसे पकड़ें और दूसरी साइड पर टर्न करें फिर से ऑपोजिट साइड में और ये जो हिस्सा बच जाएगा इसके ऊपर आपने मैदे की लई अप्लाई कर देनी है। लई अप्लाई करके भी आपने इसे अब ऑपोजिट साइड पर ही टर्न देना है और ये वाला जो हिस्सा बच जाएगा यहाँ तो इसे कट कर दें या फिर इस तरह से इसके अंदर डाल दें, तो बहुत ही प्यारी सी शेप आ जाएगी। कोई भी समोसे बना रहे हैं तो यही तरीका अप्लाई करें और ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह से हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। तो सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं, जहाँ पर फिलिंग ख़त्म हो गई थी तो उन समोसों को मैंने ऐसे ही रैप कर लिया। तो ये वाला जो समोसा है इसमें आलू की फिलिंग हुई हुई है और इन समोसों में जो है वो आलू की फिलिंग नहीं है, सिंपल हैं, खाली हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है चटनी रेडी कर लेते हैं। चटनी हम ब्लेंडर में बनाएंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए तीन अदद बड़े साइज़ के उबले हुए आलू, जिसमें से एक आलू आपने अलग कर लेना है, बाकी दो आलूओं को रफली कट करके आपने ब्लेंडर में ऐड करने हैं। इस एक आलू को हम बाद में यूज़ करेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे एक खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, एक चौथाई चाय का चम्मच टाटरी, हसबे जायका नमक, चार से पाँच खाने के चम्मच इमली का पल्प और एक चाय का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। साथ ही हमें एक चौथाई चाय का चम्मच हल्दी और येलो फूड कलर भी ऐड करना है, लेकिन क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक का ब्लेंडर है तो इसमें स्टेन रह जाएगा, इसलिए इसे हम बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे
और इसे बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। पहले पानी इसलिए कम डालना है ताकि ये सब कुछ अच्छी तरह से पिस जाए ना। बिल्कुल ये चटनी जो है जैसे बाज़ार से मिलती है वैसे ही रेडी होती है। सिर्फ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो टाटरी और कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च आपने ऐड करनी है वो बहुत थोड़ी थोड़ी करके आप इसमें ऐड करें। बहुत ज़्यादा आप एक साथ ऐड ना कर दें, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कम हुई तो आप इसमें मज़ीद थोड़ी सी ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी आलू की चटनी जो है पिस चुकी है, ये देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो एक आलू हम लोगों ने बचाया था उसे आपने फोर्क की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ना तो ये बिल्कुल ही मलीदा हो और ना ही बड़े बड़े इसमें आलू के टुकड़े हों। मतलब रफली आपने इसे मैश करना है कि जो चटनी है उसे हम लोगों ने हल्का सा दरदरा सा टेक्सचर देना है। जैसे बाहर से मिलती है ना उसमें छोटे छोटे आलू के चंक्स होते हैं, तो मतलब आपने इस आलू को चंक्स में जो है वो मैश कर लेना है। डेट्स इट, इसे आप बाउल में कन्वर्ट कर लें और फिर इस बाउल में ही जो हम लोगों ने चटनी पीसी है ब्लेंडर में वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब साथ ही इसमें हम हल्दी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। हल्दी ब्लेंडर में इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि प्लास्टिक के ब्लेंडर है तो उसमें जो है कलर रह जाते हैं ना। और इसी ब्लेंडर के अंदर हम मज़ीद पानी ऐड करेंगे जितना हमने चटनी को पतला करना है, और इसे अच्छी तरह से साफ़ करके इसे भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लें। अब इस चटनी का आप कलर देखें, और इसके कलर को अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दा कलर ऐड करेंगे, और इसे मिक्स करते ही आप देखें कि इसका कलर बिल्कुल ज़बरदस्त, जैसे बाहर से हम खाते हैं ना वैसा हो जाएगा। टेक्सचर इतना ज़बरदस्त है, टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। अगर आपको खट्टा कम लग रहा है तो थोड़ा सा टाटरी डिज़ोल्व करके ऐड कर लें। मिर्ची कम लग रही है तो अलग से हरी मिर्चें पेस्ट करके इसमें डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं ऐड कीजिएगा। तो चटनी हमारी रेडी है। अब इसे सर्व करने के लिए हम अपने समोसे और पापड़ी को फ्राई कर लेते हैं। इन समोसों को भी नॉर्मली जैसे हम पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह फ्राई करते हैं उसी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। बस एक बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप इन्हें फ्राई ना करें, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता मीडियम फ्लेम पर फ्राई हो तो इन पर जो है बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आए और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो। इसी तरह से हम पापड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। घर के बने हुए बहुत ही ज़बरदस्त से ये समोसे बने और बहुत ही क्विक और जल्दी बन जाते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपको इनको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले प्लेट में समोसे रखें या फिर पापड़ी रखें, जो भी आपने बनाई है, और फिर इसके ऊपर जितना मर्ज़ी दिल करे चटनी डालकर खाएं। कौन सा आपने ख़रीदनी है, घर पर ही बनाइए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके अलावा जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जो जो रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं रमज़ान के हवाले से, जल्दी जल्दी कॉमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, और अपने बच्चों को भी बताइएगा कि हम भी स्कूल में खाते थे और ये स्ट्रीट फूड आज तक सेल होता है। तो घर पर बनाएं और जितना मर्ज़ी खाएं और इन्जॉय करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।